जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों साथियों के लिए जॉब है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। सैलरी 2024 अगस्त महीने की जो सैलरी आप साथियों की आओगी उसको लेके जॉब है फुल डिटेल लेके आए हैं। आपकी सैलरी कितनी आओगी, आपका ESI कितना कटेगा, आपका EPF कितना कटेगा, आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लेटर आने वाला है सैलरी बढ़ोतरी का, उससे पहले जो वह फुल डिटेल ले आए हैं। आप साथियों ने जो वह स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देवांगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई ये वाला परफॉर्मा है जो हमने जो वह आप साथियों के लिए पूरी मेहनत से जो है तैयार कराया है। अगर आप साथी चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने तुरंत मिल सके। तो वह साथियों, इसके अंदर जो रेट हमने मेंशन करे हैं वो जो है हमारी खुद की कैलकुलेशन है। हो सकता है आप साथियों के कोई 5-10 रुपये जो ऊपर नीचे हो जावे, अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपका पूरा 8% की बढ़ोतरी लेता है तो ये आप साथियों की जो भाई पूरे और पूरे जो 8% की बढ़ोतरी जो CM साहब ने करी है घोषणा, उसके हिसाब से जो है पूरी डिटेल जो हमने तैयार करी है, आपके अकाउंट तक का पैसा जो हमने इसके अंदर कैलकुलेशन कर दिया। सारी बातें आपको स्टेप टू स्टेप समझा देंगे, बिल्कुल अच्छे से आप साथी देख लीजिएगा। आप साथी ने बता दिया भाई, जो स्टार्टिंग का जो कॉलम दे रखा हमने, यू दे रखा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, भाई आपके डिस्ट्रिक्ट जो है 3 बना रखे हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने, 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर कौन से जो भाई डिस्ट्रिक्ट आवे हैं वो हमने जो है बिल्कुल इसके अंदर डालने का काम कर दिया, ताकि साथियों को कन्फ्यूजन ना हुआ और साथी अच्छे से अपना देख पाऊँ। जो साथी इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर लग रहे हैं उनके भी लेवल 3 बना रखे हैं भाई। उन लेवलों में जो निगम रेट जो 2023 के थे, अभी आप साथी फ़िलहाल के लिए पैसे ले रहे थे एचकरण से, वो हमने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए। जो आप साथी का 2024 के अंदर रेट होगा वो वाला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप साथी देख लीजिए, बस जिस साथी का जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ में है, उनको 18,400 रुपये मिले थे वह 1 लेवल की जो पोस्ट थी उसकी, जो यानी कि 1 लेवल की जो कैटेगरी बना रखी पोस्ट होंगी उसके अंदर 18,400 थे, अब उसके 19,872 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 1,472 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक बार ही आप साथी ये समझ लीजिए, फिर आगे के कॉलम आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक बार ही आपको फ़िलहाल ये बता दूँ मैं, और ऊपर भी हमने जो है मेंशन करके सारी डिटेल एज करण के 23 के रेट हैं, 24 के हैं, जो सैलरी इनक्रीज हुई है वह हमने इस कॉलम में डाल दी भाई। आप साथी देख सको, आपका EPF जो है 12% कटोगा, यानी कि साथियों की कितनी भी सैलरी हो उनका जो 12% कटेगा, यानी कि 1800 रुपये आपके कटेंगे, सिर्फ 15,000 रुपये के ऊपर आपका EPF कटा भाई। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो आपके 1800 रुपये कट कर रखे हैं। और जो आप साथियों का ESI भाई जो हमने शून्य डाल रखा है उनका ESI नहीं कटेगा, जो हमने 149 रुपये डाल रखे सिर्फ इनका ESI कटेगा, यानी कि कुछ कैटेगरी हैं जिनका ESI इसी के अब की बार कटोगा अगर ये सैलरी बढ़ोतरी होती है, बहुत ही कम संख्या में साथियों ESI कटोगा। LWF के 31 रुपये हमने लिख दिए भाई। अच्छा, टोटल जो आपका EPF, ESI, LWF जो आपके सैलरी से कटोगा वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी वो पूरी डिटेल। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जिस साथी का भाई हम जो है लेवल 2 की बात कर लें, आप जो लेवल 2 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो साथी लग रहे सबसे ज़्यादा कैटेगरी इनकी है भाई, 16,250 रुपये था उसका, 17,550 रुपये हो चुका है, 1,300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और जिसका 19,450 रुपये था उसकी 21,000 रुपये, 6 रुपये जो है सैलरी हो जाएगी और 1,556 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 20,100 रुपये जिसका रेट था भाई, वही 21,708 रुपये हो जाएगी। अब की बार जो अगस्त में सैलरी आओगी आपकी, 1,608 रुपये आपकी बढ़ोतरी करी गई है। आपके अकाउंट के अंदर कितना क्रेडिट होगा वो भी हमने जो है यहाँ पर डिटेल दे रखी, वो भी आपने साथ के साथ बता देंगे। एक बार ये समझा देता हूँ अभी आपको। अच्छा, जो 3 लेवल है भाई, 15,050 रुपये है उसकी, 16,254 रुपये, 1,204 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। 18,300 है, 19,764 रुपये हो चुके हैं, 1,464 की बढ़ोतरी हुई है। 18,900 है उसका, 20,412, 1,512 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। 20,250 ले रहा है, यानी कि ये वो आ गई कैटेगरी भाई जिसका जो है जो 5 से 10%, यानी कि जो एक्सपीरियंस था उनका 5 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस था, और जो 10% की बढ़ोतरी है वो आगे वाले ये लेवल आ चुके हैं। 20,250 है उसकी, 21,870, 23,850 है, 25,758, 24,550 ले रहा है, 26,514। इस प्रकार से जो आप साथी के टोटल जो है हमने स्कोर यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप साथी अपना अच्छे से देख लीजिए। अभी आप साथियों को आगे बता दें भाई,
जिस साथी का मान लो कि 18,400 रुपये ले रहा था भाई, उसके जो भाई अभी जो है जो सैलरी फ़िलहाल अभी आ रही उसकी 16,431 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आ रही होगी, अपना अपना चेक कर लेना भाई। जिसकी 21,650 रुपये थी उसकी जो भाई 19,819 रुपये उसका खाता में आ रहे होंगे, चेक कर लेना भाई। 22,300 रुपये भाई 20,469 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आ रहे होंगे, यानी कि 2023 के अंदर जो क्रेडिट हो रही है भाई सैलरी अभी फ़िलहाल के लिए, जो आपकी अभी सैलरी आ रही है उसके अंदर ये लेवल आपका मिलेगा, आपने देख लेना। अच्छा, जिसके 16,250 थे 14,297 रुपये खाता मानदी पाओगे, 19,450 रुपये उसकी जो है 17,473 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आती हुई मिलेगी। जिसका 20,100 रुपये था उसकी 18,118 रुपये उसके अकाउंट के अंदर आती हुई मिलेगी। तो उसी प्रकार से आप साथियों को अपने जो ये नीचे के लेवल में देख लेने। अभी जो आप साथियों की अगस्त के अंदर सैलरी आओगी वह 2024 के अंदर, वो हमने जो है मेंशन कर दी है कि जिसके 18,400 रुपये सैलरी है उसके 17,892 रुपये खाते के अंदर आओगे भैया, यानी कि उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे। 21,650 रुपये थी उसकी 21,551 रुपये उसके खाते के अंदर जमा होंगे भाई। 22,300 थी वो उसके जो है 22,253 रुपये उसका खाता में जमा होंगे भाई। 16,250 है 15,587 रुपये जो है उसका खाता में जमा होंगे। 19,450 रुपये सैलरी है तो उसके जो है 19,175 रुपये खाता में जमा होंगे। 20,100 रुपये है 19,877 रुपये उसका जो है खाता में जमा करने का काम किया जाओगा। 15,050 रुपये उसके जो है 14,301 रुपये खाता में जमा होंगे भाई। 18,300 रुपये है उसकी जो भाई 17,785 रुपये खाता में जमा होंगे भाई। 18,900 रुपये तो उसके 18,428 रुपये खत्म जमा होंगे भाई। 20,250 है उसके 20,039, 23,850 है 23,927, 24,550 है 24,683, 17,900 है उसके जो है 17,356 रुपये। तो इस प्रकार से नीचे का लेवल जो है अपना अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और चेक कर लेना साथियों भाई, आपकी जो है सैलरियाँ इस प्रकार से क्रेडिट होंगी। अभी आप साथियों को आगे का बता दें भाई, ये आपके ESI हो गया, आपका LWF के पैसे कटेंगे, ये आपका EPF यानी कि आपकी सैलरी में तो कटोगे भाई टोटल रुपये इतने इतने, ये जो रुपये हमने मेंशन करके ये करके आपका EPF ESI LWF का टोटल बना दिया है, इतने इतने रुपये आपके जो है सैलरी में तो कटोगे। अब आगे जो है हरियाणा कौशल रोज़गार निगम जो डिपार्टमेंट से पैसे लेगा 1950 रुपये लेगा वो आपके EPF के, 640 रुपये आपके लेगा ESIC के, बाकी और जो शून्य शून्य हमने दर्शा रखे भाई ये आपके पैसे हरियाणा कौशल निगम नहीं लेगा। ये आपका जो है 21,000 रुपये से ज़्यादा जिसका आ चुका है उसकी हमने शून्य कर दी है, क्योंकि उनका जो भाई ESIC कट नहीं होगा अब की बार, क्योंकि उनका जो पैसा भाई उनको जो है चिरायु कार्ड देगी हरियाणा सरकार, उसके लिए भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने जो अलग से वीडियो बना रखी है। 50% कैंडिडेट को नुकसान होगा क्योंकि आपका चिरायु कार्ड बनेगा नहीं, अगर चिरायु कार्ड बनेगा नहीं तो आप साथी इलाज किस प्रकार से करवाओगे, क्योंकि पीछे भी जो है कई बार के जो साथी हैं वो जो है 1500-1500 रुपये कट करवा चुके हैं, उनकी सैलरियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अगर 3 लाख लग की सैलरी है तो उसके अलग रेट हैं, इसके बारे में हमने बकायदा वीडियो बना रखी, बाकी आगे भी कल परसों भी बना देंगे डिटेल के साथ में। तो अभी आप साथियों को बता दें भाई, इस प्रकार से आपके पैसे कट करके जो आपका टोटल हरियाणा कौशल रोज़गार निगम डिपार्टमेंट से लेवा है वही ये पैसे हैं भाई EPF ESI के टोटल, जो आपके टोटल जो सैलरी बन जाती है वो इस प्रकार से आ जाती है। इस प्रकार से टोटल सैलरी आपकी बन चुकी है, जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर आप साथ देंगे भाई ये लेवल आ जाएगा, जो परिवार पहचान पत्र के अंदर जो टोटल आपके टैक्स वगैरह लगा के सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके अब हमने फुल डिटेल लेके आए हैं आपकी, ये परफॉर्मा आपको पढ़ लेना वो ऊपर वाला, ये आपको पढ़ के फिर नीचे वाले अपने जो रेट मेंशन करके सब कुछ लिख रखा है। तो इस प्रकार से बहुत मेहनत लगी है साथियों, इसलिए जो आप साथियों को बोला जाओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। तो इस प्रकार से आने वाला जो अगस्त होगा आपके अकाउंटों के अंदर इस प्रकार से सैलरी आओगी। आप साथी जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं भाई, वीडियो का आगे से आगे शेयर करना, जिससे जितने भी साथी हैं जो हरियाणा कौशल रोज़गार निगम में लगे हुए हैं वो अपना अपना रेट देख सकें कि अगस्त की जो सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आवेगी अगर 8% की बढ़ोतरी होती है तो फिक्स जो 8% है उसके हिसाब से हमने ये रेट कराया है, बाकी 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सके हैं अगर हरियाणा कौशल रोज़गार निगम 8% से थोड़ी सी इंक्रीज कर देता तो, अगर और ज़्यादा इंक्रीज होती है तो आगे से जो आप साथियों को आगे वीडियो दे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप साथियों के लिए यही रेट निकाल के लेके आए हैं और यही रेट आप साथियों को मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इस प्रकार से जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं तो अपना अपना जो है चेक कर लीजिए कि किसका खाता में कितने कितने रुपये आओगे और किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन करी गई है, आपका ESI है, LWF है, EPF है, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया है, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी सारे साथी कहते हैं जी मेरा तो PPP में इतनी सैलरी बढ़ा दी,
मेरा इतना रुपया बन गया। तो इस प्रकार से हमने जो सब कुछ कैलकुलेशन कर दिया है, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कैलकुलेशन लेके आए हैं ताकि साथी कन्फ्यूजन ना हो, उनको पता चलता रहे अब हमारा लेवल कौन सा है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ पे हम जॉब करने लग रहे हैं, उसी प्रकार से आपके जो है रेट निकाल के लेके आए हैं। तो वह आप साथी जो है देख लीजिए अपना अपना, ठीक है, किस साथी का क्या क्या है। और फिर भी अगर किसी साथी का कोई भी रह गया भाई, कोई समस्या रह गई है, कोई रेट इसके अंदर नहीं डाल पाए, हाँ लगभग हमने जो है सभी रेट जो है डालने का काम किया है, जो 5 से 10 साल लग के साथी हैं जिसका एक्सप्रेस का भी पैसा मिल रहा है उनके भी हमने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। तो आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।